नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सागर जिले के मकरोनिया में संत रविदास महाराज के भव्य मंदिर और कला संग्रहालय का निर्माण चल रहा है। इसे बनवाने के लिए वंशी पहाड़पुर के पत्थर का उपयोग किया जा रहा है। इसी पत्थर का उपयोग अयोध्या का राम मंदिर बनाने में भी किया जा रहा है। राजस्थान के कलाकार इन पत्थरों पर नक्काशी करेंगे। 8 फरवरी 2023 को संत रविदास महाकुंभ में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बरतुमा में संत रविदास महाराज मंदिर बनाने की घोषणा की थी। भूमि पूजन के बाद 1 सितंबर 2023 से निर्माण कार्य शुरू हो गया था। करीब 6 महीने में 25% काम हो चुका है। मंदिर का फाउंडेशन कार्य पूरा हो गया है। अब म्यूजियम फाउंडेशन का काम चल रहा है। वहीं डोर मैट्री प्रथम तल, भक्त निवास प्रथम तल, बाउंड्री वॉल, कुंड, कालोनेड स्ट्रक्चर फाउंडेशन का काम किया जा रहा है। टॉयलेट ब्लॉक स्ट्रक्चर, लाइब्रेरी और कैफेटेरिया प्लिंथ का निर्माण पूरा हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश टूरिज्म के असिस्टेंट इंजीनियर मनीष डोहरिया बताते हैं कि संत रविदास महाराज मंदिर का निर्माण 10,000 वर्ग फीट जगह पर होगा। ऊंचाई 66 फीट रहेगी। मंदिर निर्माण में वंशी पहाड़पुर का गुलाबी और लाल रंग के पत्थर का उपयोग किया जाएगा। साथ ही इस पत्थर पर पानी पड़ने से यह निखर जाता है। ये पत्थर 2 रंगों में आता है। लाल पत्थर पर आसानी से नक्काशी की जा सकती है। इसमें टूट फूट नहीं होती है। कारीगर जरूरत के हिसाब से इस पर नक्काशी कर लेते हैं। वहीं गुलाबी पत्थर हल्का सख्त होता है। इसका उपयोग जमीन पर किया जाएगा। वहीं लाल पत्थर का उपयोग गुंबद, पिलर व समेत मंदिर के अन्य निर्माण में किया जाएगा। 12 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास महाराज के मंदिर का भूमि पूजन किया था। मकरोनिया के बरतुमा में नागर शैली से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं 11 एकड़ जमीन पर बन रहे मंदिर की लागत 99 करोड़ 69 लाख रुपए आएगी। अब तक 25% काम भी हो चुका है, जिससे मंदिर परिसर का आकार नजर आने लगा है। मंदिर निर्माण पूरा करने की समय सीमा 2025 अगस्त तय की गई है।